नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में झटका खाने के बाद पार्टी को एक मजबूत वापसी की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बार चुनावी मैदान में सक्रिय हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी के आलाकमान ने उन्हें पूरी तरीके से छूट दे दी है। मतदाता चयन से लेकर रणनीति उन्हीं के हाथों में है, इसीलिए ये उपचुनाव उनके लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। इन उपचुनावों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी केवल 33 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 सीटों पर कब्जा जमाया था। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ की रणनीतियां और संघ का समर्थन उन्हें जीत दिला पाएगा या फिर विपक्ष की ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की आखिर क्या तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 में मिले झटके के बाद पार्टी को मजबूत वापसी की जरूरत पड़ चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। हाल में ही योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस बैठक में उपचुनाव के मुद्दों के साथ महाकुंभ 2025 और 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। ये साफ है कि योगी पूरी तरीके से तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने का इरादा रख चुके हैं। इसके अलावा संघ के शीर्ष नेताओं के साथ भी उनकी चर्चा हुई। पिछले हफ्ते मथुरा में हुई बैठक में योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से उपचुनाव की तैयारियों पर बात की थी। दोनों ने वोट प्रतिशत बढ़ाने और सभी वर्गों के मतदाताओं को एकजुट करने की योजना बनाई। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि हरियाणा में संघ की रणनीति ने बड़ा असर डाला था और वो उसी मॉडल को यूपी में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उपचुनाव में करहर, सीसामऊ, कुंदरखी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कटेरी और खैर और मीरापुर जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी जबकि 3 बीजेपी के पास। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 80 में से केवल 33 सीटें मिली और अब वोट शेयर भी घटकर 41% आ गया है। ऐसे में सीएम योगी के लिए ये उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि अपनी पार्टी को फिर से स्थापित करने का एक बड़ा मौका है। योगी आदित्यनाथ की तैयारियों और संघ के समर्थन से अगर सब कुछ सही रहा तो ये उपचुनाव बीजेपी के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ इस चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे और पार्टी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकेंगे या फिर नहीं। देखा जाए तो यूपी के उपचुनाव में केवल एक चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक शक्तियों का एक परीक्षण भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनाव उनकी नेतृत्व क्षमता और पार्टी की मजबूती को साबित करने का एक बड़ा मौका है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल भी इस अवसर का फायदा उठाने के लिए तैयार है। अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि जनता किसे अपना मत देती है। आगामी कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि मतदान का परिणाम न केवल यूपी बल्कि पूरे देश की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।